हे गाइज, मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे हो चैनल एक्सप्लेन। तो आज मैं बताने वाला हूँ सेमेस्टर थर्ड के बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के बच्चों का रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर्ड हो गया है आज। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले रिजल्ट चेक कैसे करना है, और ये रिजल्ट SOL रेगुलर सारे बच्चों का है, और ये जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट उन बच्चों का है जिन्होंने नवंबर दिसंबर 2021 में लास्ट ईयर आपने अपने पेपर दिए थे। जो सेकंड फेज के बच्चे हैं जिन्होंने अपना एग्जाम सेकंड फेज में दिया, जिनका रिजल्ट अपडेट हो गया आना है, तो भाई वो भी एक बार चेक कर लेना उनका रिजल्ट शायद अपडेट हो गया हो। नहीं तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आपको भी इन्फॉर्म कर देंगे। पहले आप इसको भी चेक कर लेना, क्या पता हो सकता है इसी में आपका भी रिजल्ट अपडेट होकर आ गया हो। तो आपको अपना रिजल्ट चेक कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको SOL के पोर्टल पे आना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पे आप जाओगे, इस जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिजल्ट लिंक, ठीक है। तो आपको इस रिजल्ट लिंक पे क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें बोलेगा भरने को, फिलअप करने को, तो बिल्कुल ईजिली है। सबसे पहले देखो काफ़ी बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, तो मैं बता दूँ यहाँ पे आपको देखो प्लीज़ सिलेक्ट द कॉलेज नेम, यहाँ पे अपना कॉलेज नेम सिलेक्ट करना है। और अगर आप SOL से पढ़ रहे हो, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से, तो आपको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सिलेक्ट करना है। बता देता हूँ कैसे। इस पर आप सिलेक्ट करोगे तो इसको थोड़ा नीचे करोगे, ठीक है। अगर आप SOL में पढ़ रहे हो तो SOL ही सिलेक्ट करना है। और काफ़ी सारे बच्चे SOL नॉर्थ SOL वेस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट साउथ कुछ ऐसा सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ SOL सिलेक्ट करना है। आपका कोई भी डिस्टिनेशन पढ़ता हो, नॉर्थ पढ़ता हो साउथ पढ़ता हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ आपको अपना यही SOL सिलेक्ट करना है, सिर्फ अगर आप SOL में हो, ठीक है। नॉर्थ साउथ कुछ भी मत लेना। नीचे उसके यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम सेशन, कौन सा एग्जाम सेशन है, नवंबर, देखो नवंबर दिसंबर 2021 ये भरा हुआ है। उसके नीचे लिखा है फिल द एग्जाम रोल नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना एग्जाम रोल नंबर फिल करना है। इस जगह पे आपके होल टिकट या एडमिट कार्ड में भी होता है, वो आपने भरा हुआ पेपर में आपको याद होगा। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर, और नीचे यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिख रहा होगा, ये रहा नंबर वाला, ठीक है। यही कैप्चा सेम टू सेम आपको यहाँ टाइप करना है, बिल्कुल ऐसा कैसा, ये जो नंबर है ये आपको कैप्चा यहाँ पे टाइप करना है। कैप्चा जैसे आप टाइप करोगे उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा प्रिंट स्कोर कार्ड, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपका रिजल्ट आपके सामने शो हो जाएगा। एक चीज़ और बता दूँ, अगर किसी बच्चे को चेक करना है किस किस के रिजल्ट अभी आए हैं नहीं आए, तो उसको कैसे चेक करना पड़ेगा, तो देखो सबसे ऊपर ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ डिक्लेयर रिजल्ट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको चुनना है, यहाँ चूज़ करना है नवंबर दिसंबर, जिन बच्चों के एग्जाम नवंबर दिसंबर में हुए आपके जब भी हुए आप इसको सिलेक्ट करो सर्च। जैसे ही सर्च करोगे तो देखो यहाँ पे रिजल्ट की लिस्ट शो हो रही है, ठीक है। और मैं थोड़ा इसको साइड करके अगर आपको दिखाऊं तो ये देख लो आप ध्यान से, ये देखो ये बीकॉम प्रोग्राम, ये बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड का और फिफ्थ का, और सेमेस्टर थर्ड फिफ्थ का, ठीक है। इसी तरह से नीचे इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर थर्ड का, ये सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। और जैसे बाकी रिजल्ट डिक्लेयर होंगे हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना, ताकि उनको पता चल जाए आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।